हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बी रियल न्यूज़ चैनल में। इस न्यूज़ चैनल में मैं आपके लिए लाती हूँ ऐसी खबरें जो जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो खबरें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलेगी। है इस तरह की खबरें हैं, ज्ञान से भरी हुई खबरें, आपके फ़ायदे से जुड़ी खबरें, और ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको कहीं और नहीं मिलती और जो मिलती है सिर्फ आपको बी रियल न्यूज़ चैनल के द्वारा। तो आज हम आपके लिए एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ लेकर आए हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं, इसे आप इन्फॉर्मेशन बोल सकते हैं। ये ऐसी खबर है, देखिए हम बता रहे हैं आपको ऐसी जानकारी कि ये जो ब्लेड है, ब्लेड आपने देखे होंगे, हर तरह के ब्लेड आपने देखे होंगे, किसी भी कंपनी का ब्लेड उठा लीजिए, हर ब्लेड में आपको बीच में ये डिज़ाइन नज़र आता है जो इस ब्लेड में आपको नज़र आ रहा है। जिलेट कंपनी का ये ब्लेड है जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अब आप सोचिए कि ये निशान, क्या आपने सोचा है कभी कि ये निशान ब्लेड पर क्यों बना होता है? बीच में जो कटिंग हो रखी है वो हर ब्लेड में एक जैसी ही क्यों होती है? क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है? क्या कारण है इसके पीछे? क्यों, क्या रीज़न है कि ये ब्लेड के बीच में ये डिज़ाइन बनाया गया है? क्या आपने कभी किसी से पूछा है या कभी किसी ने आपको बताया है? मैं जानती हूँ नहीं बताया होगा, या अगर पता भी होगा तो बहुत ही कम लोगों को पता होगा इसके बारे में। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस किस को इसके बारे में पहले से पता था, या वीडियो जानने के बाद इसके बारे में कितने लोगों को पता चला। मैं बता रही हूँ आपको कि ये डिज़ाइन, ये राज मैं आपके सामने खोलने जा रही हूँ, ये आपको जानकारी देने जा रही हूँ जो जानकारी आपको कोई नहीं देगा, वो मैं आपको बता रही हूँ कि ये डिज़ाइन ब्लेड के बीच में क्यों बना होता है। हर कंपनी के ब्लेड के बीच में इसी तरह का सेम टू सेम डिज़ाइन क्यों होता है? ये देखिए, बी रियल न्यूज़ आपको बताता है कि हर कंपनी के ब्लेड के बीच क्यों होता है एक ही तरह का डिज़ाइन। इसके पीछे बड़ी ही दिलचस्प वजह है। उस वक्त जिलेट ही एकमात्र ऐसी कंपनी थी जो रेज़र भी बनाती थी। कंपनियां नया डिज़ाइन बनाती थी तो वह रेज़र में फिट नहीं बैठता था। कब की बात है ये? जब शुरुआत में पहली बार ब्लेड बनाए गए, जब पहली बार रेज़र बनाए गए, तो जो कंपनियां जिलेट की थी, जो कंपनी जिलेट की थी वही रेज़र बनाती थी और वही ब्लेड भी बनाती थी। कंपनियां नया डिज़ाइन बनाती थी तो वह रेज़र में फिट नहीं बैठता था। जो और कंपनियां बनाती थी डिज़ाइन तो वो फिट नहीं होता था रेज़र के अंदर, तो जो डिज़ाइन किंग कैप ने बनाया था वही आगे भी फॉलो होता गया। शेविंग अथवा हेयर कटिंग के दौरान आपने कभी ना कभी ब्लेड ज़रूर देखा होगा। मार्केट में ऐसी कई कंपनियां हैं जो ब्लेड बनाती हैं, लेकिन इन सब के बीच एक खास बात ये है कि ब्लेड के बीच का डिज़ाइन सब में एक जैसा होता है। आखिर हर कंपनी के ब्लेड में बीच के डिज़ाइन एक जैसा होने की वजह क्या है? तो वजह यह है कि साल 1901 में जिलेट कंपनी के जो संस्थापक हैं, जिन्होंने उसकी स्थापना की, जिन्होंने उसको शुरू किया, किंग कैंप जिलेट ने अपने सहयोगी विलियम निकर्सन के साथ मिलकर ब्लेड का डिज़ाइन किया था। इसी साल उन्होंने इस डिज़ाइन को पेटेंट भी करा लिया और 1904 में ब्लेड का उत्पादन शुरू कर दिया। शुरुआत में जिलेट ही एकमात्र ऐसी कंपनी थी, ये मानी हुई कंपनी है। आप भी अगर ब्लेड खरीदते हैं तो जिलेट का आपने ब्लेड कभी ना कभी ज़रूर खरीदा होगा। तो ये एकमात्र ऐसी कंपनी थी जो ब्लेड और रेज़र का निर्माण करती थी। उस वक्त बोल्ट के जरिए रेज़र में ब्लेड फिट किया जाता था, मतलब बोल्ट होता है जो नट कसा जाता है, उसके जरिए ब्लेड को लगाया जाता था, इसलिए ब्लेड के बीच में खास तरह का डिज़ाइन बनाया गया। जिलेट कंपनी का ब्लेड का कारोबार आगे बढ़ा तो मार्केट में दूसरी कंपनियां भी आई, लेकिन उन्होंने पुराने डिज़ाइन को ही कॉपी किया, उसी की नकल की। दरअसल उस वक्त जिलेट ही एकमात्र ऐसी कंपनी थी जो रेज़र भी बनाती थी, तो कंपनियां नया डिज़ाइन बनाती थी तो वो रेज़र में फिट नहीं बैठता था, इसलिए जो डिज़ाइन किंग कैंप ने बनाया वही आगे भी चलता गया। किंग कैंप को ब्लेड बनाने का आइडिया कहाँ से आया, इसके पीछे वजह भी बड़ी दिलचस्प है। 1890 के दौरान किंग कैंप ढक्कन बनाने वाली कंपनी में काम करते थे। वहाँ उन्होंने देखा कि बोतल के इस्तेमाल के बाद लोग ढक्कन फेंक देते हैं, लेकिन इसी पर इतनी बड़ी कंपनी चल रही है, उनके दिमाग में भी एक यूज़ एंड थ्रो चीज़ बनाने का आइडिया आया। उस दौर में उस्तरे काफ़ी खतरनाक होते थे और उनसे शेविंग में काफ़ी वक्त भी लगता था। किंग कैंप ने उस्तरे का विकल्प तलाशने की सोची और 1901 में ब्लेड का डिज़ाइन बनाकर उसे पेटेंट करवा लिया। है ना दोस्तों, दिलचस्प जानकारी। तो ये इतनी दिलचस्प जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। आज मैंने आपको इतनी अच्छी खबर बताई बी रियल न्यूज़ चैनल पर कि आखिर ब्लेड में, अब आप दूसरों को भी बता सकते हैं कि शेयर कर सकते हैं ये वीडियो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये ज्ञान पहुंचे और उनको भी पता चल सके। देखिए, अगर एक सुई भी होती है तो उसमें भी कोई इतिहास होता है, तो ये ब्लेड का इतिहास था, ब्लेड की जानकारी थी, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो एक सीक्रेट तरह की है जो किसी को नहीं बताओगी। अगर आप आज अब इस बात को जान गए हैं तो अगर आप दूसरों को बताते तो वो भी सोचेगा कि यार इसको इतनी डीपली चीज़ें कैसे पता है, ये इंसान कितना ज्ञान
जानी है, कितना नॉलेजेबल है, उसको इतनी अच्छी नॉलेज कहाँ से आई। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी ये नॉलेज दीजिए और अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जितने भी लोग हैं उनको भी ये इंटरेस्टिंग न्यूज़ और इंटरेस्टिंग जानकारी पता चल सके। इसी तरह की खबरें, इसी तरह की न्यूज़, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन, इसी तरह की जानकारी, इसी तरह की ज्ञान से जुड़ी हुई वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी बी रियल न्यूज़ चैनल पर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।